हेलो जयिन दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। तो मैं हूं अमान और आप देख रहे हैं TZ विद अमान। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में। यहां क्यों हूं? हमारे पीछे देख लीजिए, सैस हुंडई है, यानी सुनील ऑटो सेल्स हुंडई, ठीक है, वो शोरूम है कार का। और मैं यहाँ कार के शोरूम आया हूँ, तो मतलब कोई कार ही लेनी होगी। ये आज का ये ब्लॉग होने वाला है हमारा कार परचेज के ऊपर, और कौन सी गाड़ी मैं ले रहा हूँ वो आपको पूरे वीडियो में दिखाऊंगा। पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सी कार ले रहा हूँ और वो मुझे कितने की पड़ रही है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए भाई सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं शोरूम के अंदर। सबसे पहले आपको गाड़ी दिखाते हैं, कार दिखाते हैं हम कौन सी ले रहे हैं, ठीक है। ये SAS का मतलब है सुनील ऑटो सेल्स, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है भाई। तो कि लखनऊ का हेड ब्रांच के तौर पे है ये, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो सेल्स है यहाँ की ना, वो बहुत ही ज़्यादा है। वो मैं आपको अंदर चल के बताऊँगा पर डे यहाँ से कितनी गाड़ी सेल्स होती है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, मैं हूँ हुसैनगंज चौराहे पे। इन्हीं का जो एक दूसरी ब्रांच है मोटर बाइक के लिए, सुनील ऑटो सेल्स, ये देख लीजिए आप, सामने ही है, जो कि फ़िलहाल अभी बंद है किसी रीज़न से। तो चलते हैं हम अंदर और आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में हमारा साथ देने के लिए हमारे भाई, आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं, अमान खान। अमान भाई कुछ बताइए। और भैया सब खैरियत है? सब खैरियत है। और हमारे छोटे भाई कलीम, इनसे आप नहीं मिले हैं, आज मिल लीजिए। ये सब हमारे साथ आए हुए हैं, हमारी नई कार चल के जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग आए हैं, उठा के ले जाएंगे हम। कार ना दी तो मारपीट करने के लिए। नहीं, मारपीट करने का तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो अंदर का स्टाफ बताएगा कि हमें ज़रूरत पड़ती है मारपीट की कि नहीं पड़ती है। चलते हैं हम अंदर, सामने आप देख लीजिए भाई, शोरूम कुछ इस तरह का है। हाँ है एंट्रेंस, यहाँ से हमको अंदर जाना है। इसके बेसमेंट में ही एसेसरीज़ का है, जो कि हुंडई की एसेसरीज़ कार वगैरह में जो आप अलग से लगवाना चाहते हैं उसके लिए इसका एक अलग ही डिपार्टमेंट है। ये आप नीचे देख सकते हैं बेसमेंट में। फिलहाल हम चलते हैं ऊपर। तो चलिए पहले हम अंदर चल के आपको अपनी कार दिखाई देते हैं। ये जो हमारे बगल में भाई साहब चल रहे हैं, हमारे अमित भाई हैं, यहाँ के सेल्स कंसल्टेंट हैं, यही आपको गाड़ी के फीचर्स और इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह बताएंगे। तो हम चलते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप ये देख लीजिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा कार्स की डिलीवरी है आज। फिलहाल हम जो कार ले रहे हैं वो है हमारी ऑरा, ये आप देख सकते हैं, ऑरा 1.2। इसके आगे हमको अमित भाई इसका स्पेसिफिकेशन देंगे, तो चलिए इनकी ज़बान ही सुनते हैं और आपको बताते हैं। हमारे अमान भाई आज नई कार ले रहे हैं विद फैमिली के साथ, भाभी जान के बर्थडे है इसके लिए, ठीक है। ये ऑरा SCNG है, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी हुंडई की है आपकी। ऑलरेडी डिफॉगर दिया गया है आपका, फिर स्पॉयलर दिए गए हैं, जेट सेट में हेडलाइट्स दिए गए हैं आपके, स्टाइलिश व्हील कवर दिए गए हैं आपके ट्यूबलेस टायर के साथ, सारी एसेसरीज आपकी लगी हुई है हुंडई की, आपकी जेन्युइन मोबीज़ की हुंडई की है आपकी। सीट कवर्स लगे हुए हैं, मैटिंग 3D की हुई है। बाकी आपको रियर रिसीवमेंट हुंडई में मिलता है, जो कि किसी छोटी गाड़ी में रियर रिसीवमेंट नहीं आता है आपका। बैक साइड फैमिली बैठते हैं उनको भी ए सी की एयर कभी कभार पहुँचती है आपके। फोर्टेबल स्मार्ट की इनबिल्ट सेंटर लॉकिंग है आपकी। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट है, अपने हाइट के अनुसार ड्राइवर एडजस्ट कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। कंपनी का इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम है आपका, जिसमें ब्लूटूथ कर सकते हैं आप, कॉल रिसीव कर सकते हैं, काट सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम की भी बात कर सकते हैं आप। टायर प्रेशर मॉनिटर भी दिया गया है इसमें, चारों पे जैसे आपका टायर होता है वो सारी चीज़ें आपको दिखाएगा इसमें। चारों पावर विंडो दी गई हैं, इसे मैनेज कर सकते हैं आप सारी चीज़ें। बॉडी कलर का डोर हैंडल है आपका, बॉडी कलर का वो आर्गम्स है, स्टाइलिश व्हील है। मैं आपको बॉडी का स्ट्रक्चर और इंजन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। बॉडी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है आपका, 1.2 CC का इंजन है आपका, पेट्रोल में 83 PS पावर के साथ है और CNG में 69 PS पावर के साथ है। 4 सिलेंडर 16 वाल्व्स हैं आपकी। AMS अल्टरनेट मैनेजिंग सिस्टम आता है। कंपनी की बात करेंगे, जो कंपनी वारंटी देती है अपने प्रोडक्ट पे, भरोसा करती है, 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी देती है, जो कि अदर्स कोई कंपनी देती नहीं है अमन भाई आपकी। बाकी सब फ्रेम पे इंजन होता है, सेफ्टी पैरामीटर पे बहुत अच्छा रहता है आपका। क्रम्पल जोन्स होते हैं आपके, मान लीजिए अनफॉर्चुनेट इम्पैक्ट होता है तो बिल्कुल ये पापड़ की तरह के मुड़ के यहाँ पर आ जाएगा। और हमारा इंजन सब फ्रेम पर है, अगर मान लीजिए माइनर इम्पैक्ट हुआ कोई दिक्कत है, अगर मेजर इम्पैक्ट हुआ आपका तो इंजन नीचे गिर जाएगा आपका, जबकि जो कि पूरी फैमिली जो है सब लोग सेफ हैं आप लोग।
DRL लाइट्स दी गई हैं जो लुक को इन्हेंस करता है। और सबसे अच्छी चीज़ है आपकी इस गाड़ी में, सबसे बहुत बढ़िया और बेहतरीन चीज़ है 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, जो कि सेफ्टी पैरामीटर पे हुंडई बहुत बेहतर ध्यान देती है आपकी। और अमन भाई को वन अगेंस्ट कंसोलेशन न्यू कार की मुबारकबाद। थैंक यू अमित भाई, बढ़िया। हमसे ज़्यादा बेहतर हमारे सेल्स कंसल्टेंट जो थे उन्होंने बेहतर समझाया होगा, क्योंकि उनका डेली का काम है भाई, वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं गाड़ी को। ठीक है, अमन भाई से पूछते हैं भाई, इसी लाइन के ये भी हैं। अमन भाई, आपको कैसी लगी है गाड़ी? गाड़ी बहुत बढ़िया है ये। इस गाड़ी में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि एवरेज वाइज ये बहुत अच्छी है। बहुत सारी डिलीवरीज थी आज कार की, लगभग 10-12 गाड़ियां तो मेरे सामने ही गई हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा नंबर जब आता है तो हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये देखिए भाई, ये ऑल न्यू क्रेटा ऑटोमेटिक, ये देख लीजिए भाई, ये न्यू लॉन्च है, सेकंड टॉप मॉडल है ये, अलॉय व्हील के साथ। क्या ज़बरदस्त लुक खड़ा हुआ है, एमटी ब्लैक, और ये बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है भाई, मेरी तो फेवरेट गाड़ियों में से एक है। ये देख लीजिए आप, हमारे साथ तो काफ़ी लोग आए हैं, जिनमें से अभी मैंने सिर्फ 2 लोग को इंट्रोड्यूस कराया है। एक ये खड़े हैं मैं, मुदस्सिर साहब। मुदस्सिर कैमरे में, हेलो बोलो। अच्छा बात कर लो, तुम बाद में बात करते। एक ये हमारे सलमान भाई, लोग काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं, बोर हो गए। सलमान काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं, हम लोग बोर हो गए भाई, क्योंकि शोरूम वगैरह जाइएगा तो गाड़ी वगैरह के बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है डॉक्यूमेंटेशन के साथ, उसमें तो टाइम लगता ही लगता है। बड़ी ही देर के बाद भाई हमारी गाड़ी आखिरकार रैंप पर आ गई है। अब इसकी सेरेमनी मनाई जाएगी, यानी इसके ऊपर अभी ब्लू कवर डालेंगे, फिर उसके ऊपर उसको हटाएंगे, गाना बजेगा, ये सारी ही फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं आजकल शोरूम्स में। ये देख लीजिए भाई, लगभग 10 से 12 गाड़ियों के बाद हमारा नंबर आया है, और हम आए थे दोपहर में 3 बजे, और फिलहाल अभी टाइम क्या हो रहा है, मतलब 6:30 लगभग हो रहा है, और हम लोग दोपहर के 3 बजे आए थे, शाम का 6:30 बज रहा है। फिर भी जल्दी ही काम हो गया जिस हिसाब से इनकी गाड़ियों की डिलीवरी थी आज की, कार डिलीवरी उसके हिसाब से। ये देख लीजिए भाई, ये है हमारी कार, ब्रांड न्यू ऑरा 1.2 रही भाई हमारी कार। और हमारे साथ एक नन्हे मेहमान है, ये देखिए फायज़ा, इधर देखो भैया, ये हमारी बड़ी बेटी फायज़ा। हाय बोलो भैया, हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो। ये देख लीजिए भाई, पहली बार इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो इन लोगों को लेके आना ही ज़्यादा सही था कार लेने के लिए, बच्चे लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है। फिलहाल हमारी कार को भी ढक दिया है दूसरी गाड़ियों की तरह, अब इसकी भी कह लीजिए सेरेमनी वो होने जा रही है। तो भाई ये रहा केक, यहाँ पर आज एक बर्थडे पार्टी भी है हमारी मिसेस की, वो ऑन कैमरा आ नहीं सकती, मेरी वाइफ का बर्थडे भी है, इसके लिए केक का इंतज़ाम किया गया है। तो भाई ये कटेगा अभी, उसके बाद हटेगा इसका कपड़ा, फिर गाना वाना बजेगा जैसे कि और फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। भाई साहब केक अच्छा लग रहा है भैया आपको केक? हाँ तो ये आप देख सकते हैं भाई, सारा सेलिब्रेशन हो चुका है, अब हमारी कार रेडी है शोरूम से बाहर जाने के लिए, यानी अब हम इसको अपने घर ले जा सकते हैं। सारी ही चीज़ें इसकी चेक की जा चुकी हैं, यानी PDI वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं सारी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये देखिए भाई ऑरा, आप सबको ये कार कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भाई आप सब भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि A1 है भाई, इसका एवरेज वगैरह CNG पे ना 30 ही है, क्लेम जो कंपनी कर रही है वो 30 एवरेज क्लेम कर रही है। CNG ले रहा हूँ मैं कार, तो ज़्यादा ही बेहतर है। तो ये देखिए मैं बता देता हूँ भाई, मेरे साथ मेरे दोस्तों में कौन कौन आया है, इनमें से मेरे दोस्त मेरे भाई सब मेरे साथ हैं, ये आप देख सकते हैं, सारे ही आ गए, जिनसे जैसे ही इनको पता चला मैं कार ले रहा हूँ, सब मुझे आ गए यहाँ पर बधाई देने के लिए। ये देखिए ये हमारे रियान साहब, इनसे इनमें से कितने लोग हैं जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, और कुछ चेहरे आपको नए नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये चेहरा ये देख लीजिए नया है, मेरी बेटी है फायज़ा। तो भाई ये छोटा सा एक ब्लॉग था, मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि एक परचेज़ है भाई, आप भी हमारी फैमिली की तरह है, तो आपसे ये शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। तो आपको ये कार कैसी लगी है और ये ब्लॉग कैसा लगा है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। तो भाई मैं अब यहाँ के स्टाफ की बात करूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पर, और मुझे कहीं भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई है, बहुत अच्छे से ट्रीट किया इन्होंने मुझे, शुरू से लेकर आखिर तक कार परचेज़ तक इन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है। और इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो की अपडेट दूंगा। ठीक है भाई, तो यहीं पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।